हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं पवनदीप और अनिता के बारे में राज सुरानी जी ने क्या कहा बताएंगे, और आज बिहाइंड द सीन फुर्सत का रिलीज हो रहा है उसके बारे में भी बताएंगे इसी वीडियो में। जानने के लिए सारी बात जुड़े रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको फुर्सत सॉन्ग को देखने और सुनने का रिक्वेस्ट करता हूँ। यदि आप पवनदीप और अनिता को दिल से पसंद करते हैं तो इस सॉन्ग को आप ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर इंजॉय करें। गाने को अधिक से अधिक प्यार दें जिससे जल्द ये 10 मिलियन को पार कर जाए। दोस्तों राज सुरानी जी ने बताया कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि अनिता को फिर से ले लो, इस पर राज सुरानी जी कहते हैं कि हमने अनिता को नहीं निकाला, ये उनके पेरेंट्स का डिसीजन है और आप अनिता से ही पूछे कि वो एक्ट क्यों नहीं करना चाहती। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि राज सुरानी जी का तीसरा सॉन्ग जल्द ही आने वाला है जिसमें फिर से आपको पवनदीप और अनिता की मीठी आवाज़ सुनने को मिलेगा। दोस्तों आज फुर्सत का बिहाइंड द सीन आ रहा है जिसमें कैसे गाने का रिहर्सल हुआ, कैसे रिकॉर्डिंग हुई। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फुर्सत के रिहर्सल में पहले अनिता थी, फिर बाद में चित्रा जी को लिया गया, जिससे किस प्रकार की मुश्किलें आई, यही सब आपको बिहाइंड द सीन में बताया जाएगा जिसे आप ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चित्रा और पवनदीप की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और आगे आने वाली गानों की सीरीज में हमें चित्रा और पवनदीप की जोड़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप फुर्सत को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, क्योंकि 10 मिलियन पार होने पर आप लोगों को फुर्सत का स्टूडियो वर्जन देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।